हेलो स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एक ऐसा चैप्टर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए जिसका नाम इंटीग्रल कैलकुलस है जैसा कि नाम इंटीग्रल कैलकुलस है ये नाम सुनते ही आपको याद आया होगा आपका एलैंथ क्लास और साथ में ट्वेल्थ क्लास क्यों क्योंकि एलैंथ क्लास में आपने पहली बार इंटीग्रल कैलकुलस को देखा होगा और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल आपने ट्वेल्थ क्लास में किया होगा यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप इंटीग्रल कैलकुलस से फेमिलियर हो क्यों क्योंकि आपने वहाँ पर दो टाइप्स के इंटीग्रल कैलकुलस को डील किया था एक था डेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा था इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसकी हेल्प से आप जो भी कर्व गिवन होता था उस कर्व के अंडर का जो भी एरिया था वो फाइंड करते थे साथ में उस कर्व के द्वारा जो भी उसका लेंथ होता था वो आपने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस तो आई होप कि यहाँ पर जो आप अभी इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं तो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इंटीग्रल कैलकुलस का वो होगा ही होगा तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस को सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रल कैलकुलस होता क्या है हम यहाँ पर इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था या फिर डेवलप किया था तो सबसे पहले हम मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ इंटीग्रल कैलकुलस तो आई होप कि आपको मालूम होगा कि इंटीग्रल कैलकुलस किसे कहते हैं लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूं इंटीग्रल कैलकुलस जो है ये सबसे पहले तो मैथमेटिक्स की ब्रांच है तो यहां पर हम देखते हैं कि इट इज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है अब इस ब्रांच में बेसिकली हम स्टडी करते हैं इस इंटीग्रल कैलकुलस की थ्योरीज और एप्लीकेशंस की यानी कि विच डील्स विद थियोरीज एंड एप्लीकेशंस एज वेल ओके यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम इसकी थ्योरीज और एप्लीकेशन को हम डील करते हैं जैसा कि आपने ट्वेल्थ क्लास में किया भी है तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो क्यों यूज किया जाता है तो आप उसको बता सकते हो कि इट इज इट इज यूज टू डिटरमाइन Determine the length, area, volume, and, and also helps in the solution of differential. कैलकुलस यानी कि ये क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस तो हमें मालूम हो गया कि ये हमारे पास मैथमेटिक्स का ब्रांच है ठीक है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इसकी थ्योरीज और एप्लीकेशंस को और इसका इस्तेमाल करके हम बेसिकली लेंथ एरिया और वॉल्यूम और साथ में डिफरेंशियल कैलकुलस यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन में भी ये हेल्प करता है तो आई होप के यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटीग्रल कैलकुलस को किसने डेवलप किया यानी कि हु डेवलप लबड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि इंटीग्रल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया तो आई होप कि आप में से कुछ स्टूडेंट को जरूर मालूम होगा कि किसने किया जैसे कि किसने किया था ये किया था इसाक न्यूटन जी ने ठीक है इसाक न्यूटन ने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था इन 1665 में ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं हमने तो देख लिया कि इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है और क्यों यूज करते हैं इसको और किसने इसको डेवलप किया अब हम अब, अब हम आते हैं अपने इस चैप्टर पर इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है जिसका नाम है रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन ऑफ सॉलिड यानी कि रिवोल्यूशन ऑफ हम सॉलिड की बात कर रहे हैं या फिर कई बार इसी चीज को हम सॉलिड ऑफ ऑफ रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं तो सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है ठीक है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन को समझने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा क्यों क्योंकि अभी हमारे पास जो भी मैं यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम सिर्फ और सिर्फ टू में होगा थ्री में बनाना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए यहाँ पर हम एफर्ट लगाएंगे यहाँ पर वो जो एफर्ट होगा वो इमेजिनेशन के लिए होगा यानी कि अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो आप इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी ईजी वे में सीख सकते हो अगर नहीं है तो आप मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझिए आपको वो चीज ईजिली समझ में आ जाएगी तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड ऑफ रेवल्यूशन की तो सॉलिड ऑफ रेवल्यूशन को समझने से पहले मैं आपको यहां पर एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले यहां पर हम बना लेते हैं एक कार्टेशियन प्लेन ये हमारा ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा ओरिजिन मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया मान लीजिए मैंने यहां पर एक रेक्टेंगल बना दिया ये ठीक है अभी जो रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल में ये वाला जो पॉइंट है ये वाला ये पॉइंट इस ओरिजन से ए ठीक है ए इतना दूर है ठीक है और ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो ओरिजन से बी जितना दूर है ठीक है तो अगर हम इस वाले पॉइंट की और इस वाले पॉइंट की अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारे पास कोऑर्डिनेट हो जाएगा b कॉमा जीरो और ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉमा जीरो अगर ये b कॉमा जीरो है तो यहां पर x की वैल्यू हमें साफ साफ नजर आ रही है कि एक्स स्क्व टू बी है और ये हमारे पास एक्स टू A को रिप्रेजेंट कर रहा है यानी कि वाई की वैल्यू दोनों जगह जीरो, जीरो है। अगर मैं इसकी की मैं बात करता तो कोऑर्डिनेट हमें यहां से यहां तक जो उसका मिलेगा वो कुछ भी हो सकता है लेकिन फिलहाल हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि वाई जितना दूर होगा इस वाई में और इस वाई में डिफरेंस जरा ध्यान से देखना ये वाई एक्सिस एंड दिस इज द मेजर ऑफ मेजर ऑफ दिस लेंथ फ्रॉम हेयर टू हेयर ओके तो ये हमें वाई मिल गया और ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट मिल गया ये इसका कोऑर्डिनेट मिल गया ये तो ये मेरे पास एक टू डी जोमेट्रिकल फिगर मैंने यहां पे बनाया है जिसका नाम रेक्टेंगल है अब इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करें इस रेक्टेंगल की अगर हम बात करें कि अगर इस रेक्टेंगल को मैं रोटेट करूँ तो रोटेट करने के मेरे पास दो तरीके हैं दो तरीके या तो एक ऐसे कर लूं या तो मैं ऐसे कर लूं तो चाहे आप ऐसा करो चाहे आप ऐसा करो जो भी रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आने वाला है ठीक है तो अब क्या रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं उसको समझ लेते हैं मान लीजिए कि आपने ये रेक्टेंगल लिया जिसका एरिया आपके कुछ ना कुछ होगा ये एरिया होगा इसका ये एरिया होगा इसके एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है इसके एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये जो पूरा एरिया है इस एरिया को मैं क्या कर रहा हूं इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्लॉक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं क्लॉक डायरेक्शन में मैं इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा हूं रोटेट इन द सेंस मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास ये पेन है ठीक है और पेन पे हमारे पास कुछ दो ऐसे हुक से बना दिए गए हैं और इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं यानी कि ये हुक से बना दिए गए हैं और ऐसे इसको रोटेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में तो जिस पे ये रोटेट हो रहा है यानी कि ये जो चीज है इस पे रोटेट हो रही है इस पे इसको बेसिकली हम एक्सल बोल सकते हैं तो इस एक्सल पे ये रोटेट ऐसे हो रही है तो इस एक्सल को हम बोलते क्या है इसको हम बोलते हैं चाहे यहां से यहां तक ले लो या फिर पूरा ले लो इसको हम बोलते हैं क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दो या फिर रिवोल्यूशन बोल दो ठीक है एक्सिस ऑफ रेवल्यूशन तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि जिसके अबाउट आप इसके एरिया को ऐसे रोटेट कर रहे हो उसको हम एक्सिस ऑफ रेवल्यूशन कहते हैं ठीक है चलिए तो आपको एक्सिस ऑफ रेवल्यूशन क्लियर हो गया अच्छा एक्सिस ऑफ रेवल्यूशन क्लियर हो गया अब आप इसको रोटेट कर रहे थे क्या कर रहे थे आप रोटेट आप बिस्की बेसिकली रोटेट किसको कर रहे हो आप इस रेक्टेंगल को रोटेट कर रहे हो ना इस रेक्टेंगल को तो इस रेक्टेंगल को रोटेट रोटेट कर लो या फिर इसके एरिया को रोटेट कर लो बात तो एक ही है ना मैं इसके एरिया को रोटेट कर रहा हूं इसका मतलब रेक्टेंगल को रोटेट कर रहा हूं तो मैं इसके एरिया को ही बोलूंगा क्योंकि मैं रेक्टेंगल नहीं बोलूंगा मैं इसके एरिया को बोल देता हूं कि मैं ए एरिया को मैं रोटेट कर रहा हूं इस डायरेक्शन में ठीक है तो जब मैं रोटेट करूंगा तो आप जरा ध्यान से देखिए रोटेट करने के बाद आपके पास कुछ ये इस टाइप का फिगर जनरेट होके नजर आएगा इस प्रकार का जरा ध्यान से देखिए ठीक है कुछ इस टाइप का ये फिगर जनरेट होके आपको नजर आएगा यहां पर मैं क्या बना लेता हूं सबसे पहले वो जो रोटेट होने के बाद जो भी हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर जनरेट होगा वो मैं बना लेता हूं ठीक है जिसमें मैंने यहां पे बना लिया ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने ये थोड़ा सा रेक्टेंगल लग नहीं रहा लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए ठीक है थ्री डी फिगर बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ये मैंने वो रेक्टेंगल बना लिया ये वो रेक्टेंगल है अब रेक्टेंगल मैंने बना लिया तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना ये वाली जो चीज वो यहां पे है और ये वाली जो चीज है वो यहां पर है ठीक है तो ये वो रेक्टेंगल है बेसिकली इसका डबल कर दिया था मैंने ये वो रेक्टेंगल है जो इसकी मैं बात कर रहा इतना रेक्टेंगल क्या है वो ये वाला है सिर्फ इतना ठीक है जब हम इसको पूरा रोटेट करते हैं तो यहां पर इमेजिनरी बेसिकली ये रेक्टेंगल शो होता है क्योंकि रियलिटी में तो दिखेगा नहीं जब हम पूरा बना देंगे तो सिलेंडर जैसा बन जाएगा इमेजिनरी तो यहां पर आपको जो सॉलिड आपको यहां पर मिला है ये जनरेटेड सॉलिड बना जाएगा जनरेटेड सॉलिड ठीक है यानी कि ये जो थ्री डी जोमेट्रिकल फिगर आपने जनरेट किया ए एरिया को रोटेट करने से इसको आप क्या बोलेंगे जनरेटेड सॉलिड या फिर इसी को आप कई बार क्या हैं सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कहने का मतलब होता है एक ऐसा एक ऐसा थ्री डी जोमेट्रिकल फिगर जो किसी एक प्लेन या फिर एरिया को रोटेट करने पर बनता है जरूरी नहीं है कि हर बार आप ऐसा रेक्टेंगल लेकर ही रोटेट करेंगे वो डिपेंड करता है कि आपका आपके एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन दिया जा रहा है मैंने एक एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल ले लिया है जिससे आपको इसके कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी तो मैंने यहाँ पर क्या किया एक रेक्टेंगल लिया और मैंने इसको रोटेट रोटेट किया रोटेट करने के बाद हमारे पास जो सॉलिड जनरेट होकर मिला है उसको हम जनरेटेड सॉलिड या फिर हम सॉलिड ऑफ रेवल्यूशन के नाम से जानते हैं तो इतना करने के बाद आपको तो यह चीज क्लियर हो गया होगा कि इसके कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्लियर है कि ए कॉमा जीरो और इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास बी कॉमा जीरो है साथ में आप इसकी इसकी बात अगर करते हैं हाइट की तो वो हमारे पास है वाई जो कि यहां से यहां तक है ठीक है समझ में आई बात चलिए अब यहां पर जो वाई की अगर मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखिए जब हम इस रेक्टेंगल को रोटेट किए तो रोटेट करने के बाद जो हमारे पास ये थ्री डी जोमेट्रिकल फिगर जनरेट हुआ है उसमें उसके दोनों एंड पर आपको क्या दिख रहा है दो सर्कल्स दिख रहे हैं ठीक है यानी कि हमारे पास ये इस रेक्टेंगल को रोटेट करने पर हमारे पास इस थ्री डी ज्योमेट्रिकल फिगर के दोनों एंड्स पर हमारे पास दो सर्कल दिख रहे हैं तो ऐसे कर्व ध्यान से सुनिएगा ऐसे कर्व जिनको रोटेट यानी कि रिवॉल्व करने पर एक ऐसा थ्रीडी जोमेट्रिकल फिगर बनता है जिसके अंदर सर्कल इंक्लूड है उनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं उनको बेसिकली आप कार्टेशियन कर्व कह सकते हैं मतलब एक कार्टिसियन कर्व आपको गिवन होगा और उनके द्वारा जनरेटेड सॉलिड का वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालने को आपको कहा जाएगा अगर आपने कर्व ट्रेसिंग पढ़ा होगा तब तो जो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं हाँ अगर जैसे कि अगर आपने कर्व ट्रेसिंग पढ़ा हुआ है तब तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं कार्टेशियन कर्व किसे कह रहा हूं तो हिंट के लिए मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि अगर कोई भी आपके पास एक कर्व है और उसको रोटेट करने के बाद अगर उसके अंदर सर्कल इंक्लूड है तो उसको आप क्या कह सकते हैं कार्टीसियन कर्व कह सकते हैं चलिए तो अब हमारे पास ये जो जनरेटेड सॉलिड हमारे पास जो मिल रहा है जनरेटेड सॉलिड जिसके अंदर ये सर्कल जो है उस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हमारे पास यहां पर तो वाई एज अ रेडियस वर्क कर रहा है यानी कि मैं कह सकता हूं कि आर इक्वल टू वाई है ठीक है चलिए ठीक है ना यहाँ तक अब हम बात करते हैं यहां पर हम्म तो हमने यहां पर देखा अभी फिर से ले लेते हैं यहां पर यहां पर हमारे पास वो रेक्टेंगल था जिसका एरिया हमारे पास ए था ठीक है और ये हमारे पास ए कामा जीरो और ये बी कॉमा जीरो है ठीक है और ये हमारा वाई था चलिए अब इसके द्वारा जो जनरेटेड सॉलिड था वो हमारे पास अब मैं डायरेक्टली मैं ऐसा बना देता हूं थोड़ा सा अच्छे से क्योंकि मुझे पता चल गया कि किस तरह के वो बन रहा है हमारे पास सॉलिड तो मैं इसको इजीली इस ऐसे बना देता हूं ये हमारा हो गया वाई ठीक है ठीक है अच्छा इंटीग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है वो इंटीग्रेशन जब कोई छोटे 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 एरिया हो या लेंथ हो चाहे वो हो वॉल्यूम तो लेंथ के लिए हो ठीक है एरिया के लिए हो या वॉल्यूम के लिए हो अगर वो छोटा सा अगर एक वेरी स्मॉल वेरी स्मॉल अगर लेंथ हो वेरी स्मॉल एरिया हो वेरी स्मॉल अगर वॉल्यूम है अगर हम छोटे छोटे लेंथ को अगर हम जोड़ते जाए जोड़ते जाए जोड़ते जाए तो हमें जो पूरा का पूरा हमें जो लेंथ मिलेगा ठीक है वो लेंथ होगा जो भी हमारे पास जोमेट्रिकल फिगर होगा उसका लेंथ इसी तरीके से जो हम छोटे छोटे एरिया को जोड़ते हैं तो जो पूरा बड़ा वाला एरिया मिलेगा वो क्या होगा वही जो हमारे पास जो ज्योमेट्रिकल फिगर गिवन होगा उसी का वो एरिया सिमिलरली वॉल्यूम के लिए हो गया लेकिन अगर हम उस छोटे छोटे को अगर हम ऐसे ऐड करते जाएं तो हमें बहुत टाइम लगेगा तो वहां पर हमारे पास काम करता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या करता है कि आप क्या कर लीजिए किसी भी छोटे पोर्शन का छोटे से पोर्शन का या तो लेंथ ले लीजिए अगर लेंथ निकालना है तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ले लीजिए एरिया निकालना है तो एरिया ले लीजिए तो आपको सिंपल सी बात है कि छोटा सा आपको लेंथ ले लेना है ठीक है मान लेते हैं कि वो जैसे कि वो लेंथ हम मान लेते हैं कई बार डी एक्स मान लेते हैं डी एल मान लेते हैं ठीक है थीके? कुछ भी हो सकता है रिप्रेजेंटेशन ठीक है मैंने मान लिया डी एल अब डी एल लेंथ मैंने कंसिडर कर लिया और सिंपली मैं क्या करता हूँ मैं पूरा मेरे को एल यानी कि पूरा लेंथ चाहिए तो मैं सिंपली इसको क्या कर लेता हूँ मैं इसको मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ तो ये इंटीग्रेशन का काम होता है कि आप छोटा सा एरिया छोटा सा लेंथ और छोटा सा वॉल्यूम निकालिए और आप उसको इंटीग्रेट कर लीजिए आपको आपका डिजायर जो भी लेंथ है वॉल्यूम है एरिया वो मिल जाएगा सिंपली यहां पर हम क्या करते हैं ये तो हमारे पास वाई है और यहां पर हम छोटा सा जैसे कि पूरा का पूरा यहां से यहां तक एक्स ही तो है यहां पूरा यहां से यहां तक तो क्या है एक्स ही है तो यहां पर हम क्या करते हैं एक छोटा सा यहां पर एक हम ठीक है यहां पर एलिमेंट कट कर लेते हैं ये जो हमारे पास है वो एक एलिमेंट है ठीक है एलिमेंट अब एक्स एक्सिस हम इस एलिमेंट को हम डीएक्स कह रहे हैं ठीक है यानी छोटा सा एलिमेंट मैंने यहां पर डीएक्स ले लिया और वाई स्क्स टू एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है ठीक है अच्छा यहां पर एक और बात आती है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो रेक्टेंगल था वो किस पर था एक्स एक्सिस पर अगर ये एक्स एक्सिस पर है और हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं तो इसका रिवोल्यूशन कहलाएगा ठीक है रिवोल्यूशन ऑफ एरिया ए ठीक है अबाउट एक्सिस एक्स यानी कि एक्स एक्सिस के अबाउट आप इसको रोटेट कर रहे हो हां अगर ये ऐसा होता जैसे मान लीजिए कि अब ये वाई एक्सिस पे कर देता मैं ये वाई एक्सिस है ठीक है अगर ये वाई एक्सिस की अगर हम बात करते हैं ये वाई एक्सिस पर होता तो हम बोलते कि रिवोल्यूशन ऑफ एरिया ए अबाउट वाई एक्सिस सिंपल ठीक है यहां पर एक्स एक्सिस पर तो एक्स एक्स पर तो जो कॉन्सेप्ट एक्स एक्सिस के लिए वैलिड है एक्स एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करने पर हमारे पास जो वॉल्यूम एरिया लेंथ जनरेट होता है वही सेम चीज जो है वो यहां पे भी एप्लीकेबल होगी ठीक है चलिए तो यहां पर हमने ए एरिया को रोटेट किया और उससे जनरेटेड जो हमारे पास सॉलिड है वही हमारे पास ये बन गया अब इस जनरेटेड सॉलिड का हमें क्या चाहिए हमें तो वॉल्यूम चाहिए ठीक है और हमें पता है हमें बचपन से सिखाया गया है कि वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट भाई हमें तो यही पता है ना पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज का आप वॉल्यूम निकाल कर देखो आप इसी चीज पर काम कर रहे हो बेसिकली वो एक अलग बात है कि वो अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर यही चीजें हैं चाहे स्पेयर का ले लो सिलेंडर का ले लो चाहे किसी भी चीज़ का आप वॉल्यूम निकालो आप आप इसी से निकालते हो वो एक अलग बात है कि डायरेक्ट इसमें नहीं दिया होता है आप ये सोचोगे कि ये तो हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है क्यूबॉइड का होता है लेकिन जरूरी नहीं कि क्यूबॉइड का हो ये सभी का वॉल्यूम इसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है विश्वास नहीं तो आप देख लो लेंथ इनटू में ब्रेथ आप किसका मानते थे भाई ये क्या होता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है क्योंकि इसके अंदर रेक्टेंगल है ठीक है तो लेंथ इनटू में ब्रेथ आप एरिया कह लो और इंटू में हाइट कर लो या फिर कई बार आप लेंथ इंटू में एच कर लो उसको एरिया मान लो लेंथ इंटू में एच आप उसको एरिया मान लो क्योंकि ये तो पता ही नहीं ना कि एच देखो एल बी और एच लेंथ ब्रेथ और हाइट भैया ब्रेथ कुछ होता है क्या ब्रेथ ब्रेथ इज नथिंग बट अ लेंथ सिमिलरली हमारे पास एच क्या हो एच कुछ होता है क्या नहीं वो भी तो लेंथ ही होता है तो सब चीज तो एक ही है ठीक है तो किसी को भी कुछ भी मान लीजिए तो जैसे कि मैंने यहां पर एरिया लेंथ इंटू में ब्रेथ को मैंने एरिया मान लिया ठीक है और इसको मैंने क्या मान लिया अगर आप इसको देखो तो ये जो पूरा आप, आपके पास जो सिलेंडर दिख रहा है आपको पास ये कौन सा है? सिलेंडर है होरिजेंटल सिलेंडर होरीजेंटल सिलेंडर ये जो होरिजेंटल सिलेंडर है इसका जो हाइट है वो ये वाला है, है ना ये हाइट थोड़ी ना होगा ये हाइट है ना ये तो रेडियस होगा ये रेडियस होगा ये हमारे पास हाइट होगा यहां पर हमारे पास हाइट ले लेना है तो एरिया में तो हमारे पास अगर हम बात करें तो एरिया कौन सा होगा भाई तो एरिया आपको पता है कि एक सिलेंडर का जो एरिया कैलकुलेट किया जाता है आपको बचपन में भी सिखाया गया होगा कि एरिया क्या होता है तो भैया इसके एंड पे दो सर्कल है उनमें से किसी एक का एरिया निकाल लीजिए पाई आर स्क्वायर ठीक है किसी एक का एरिया निकाल लीजिए साथ में इसका जो परपेंडिकुलर हाइट है आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए ये एच ठीक है तो ये आपके पास पाई आर स्क्वायर एच आपको क्या मिल गया वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आपको यूज करना है कि अगर मेरे को क्या करना है कि मेरे को इस पूरे सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम निकालना है तो उस वॉल्यूम को निकालने के लिए मैं यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करूँगा लेकिन सबसे पहले मेरे को एक छोटा सा एक छोटा सा वॉल्यूम तो पता होना चाहिए ना जिसको मैं इंटीग्रेट करके पूरा होल वॉल्यूम निकाल लूँ तो मैं वही छोटा सा वॉल्यूम निकालने जा रहा हूँ तो ज़रा ध्यान दिए दीजिए यहाँ पर ये जो एरिया है एरिया क्या होगा इस सर्कुलर पोर्शन का एरिया यानी कि ए होगा हमारे पास ए जो होगा हमारे पास वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा क्यों क्योंकि चलिए मैं इसको हटा देता हूं ठीक है एरिया जो होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर ठीक है और जो हमारे पास वर्टिकल हाइट होगी अब हाइट तो हमें पता नहीं हाइट एक्सटेंड कर सकती है ये चीज तो हमारे पास फिक्स है ये तो गिवन है हमारे पास रेडियस लेकिन ये जो चीज़ है हमारे पास ये भी बढ़ सकता है बढ़ने को तो ये भी बढ़ सकता है लेकिन हमारे पास मान लीजिए कि ये गिवन है आपके पास ठीक है और ये हमारे पास एक्सटेंड कर सकता है तो हमने क्या किया उसको हमने यहाँ पर एक एलिमेंट कट कर लिया जिसको हमने डीएक्स बोल दिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास एक वॉल्यूम निकल गया लेकिन ये वॉल्यूम तो हमारे पास रेडियस के टर्म में आ रहा है हमारे पास तो वहाँ पर रेडियस गिवन नहीं होगा ठीक है तो वो हमारे पास एक कोई

डी एक्स यानी कि दिस इज द वॉल्यूम दिस इज द वॉल्यूम ठीक है वॉल्यूम यह जो वॉल्यूम हमारे पास है वो ए एरिया को रोटेट किया गया यानी कि रिवॉल्व किया गया है अबाउट एक्स एक्सिस तो जब एक्स एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करते हो तो यू विल गेट दिस वॉल्यूम ठीक है लेकिन यह तो एक छोटा सा वॉल्यूम है हमें क्या करना भैया इंटीग्रियल कैलकुलस का तो इस्तेमाल करना है ना तो सिंपली हम क्या करेंगे हम ठीक है आप इसको डीवी भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आप इसको इंटीग्रेट करोगे ठीक है आपको पता है इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो भाई ठीक है ये आपको मिल गया लेकिन यहाँ पर आपको जो इंटीग्रेशन आपने किया ये डेफिनेट नहीं है क्यों डेफिनेट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंडेशन ही नहीं है कि आप कितने का वॉल्यूम निकाल रहे हो क्या पता आप थोड़े का निकाल रहे हो ज्यादा का निकाल रहे हो पता ही नहीं चल रहा है हमें तो क्या चाहिए हमें एक डिजायर्ड वॉल्यूम चाहिए जैसा जितने का हम चाहिए उतने का ही निकाल सकते हैं ना वॉल्यूम कई बार कोई पूछ लेगा कि यहां तक का वॉल्यूम बताओ तो फिर कैसे बताओगे तो इस तरीके का यानी कि जब आपको एक आपको लिमिट प्रोवाइड कर दिया गया कि यहीं तक का निकालो तो उस केस में आपको एक डेफिनेट डेफिनेट आपको वॉल्यूम निकालने की जरूरत पड़ती है उस केस में आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर डेफिनेट के लिए हम क्या करेंगे ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा सिंपल वी हो जाएगा ठीक है और यहां पर जब डेफिनेट करेंगे तो हमारे पास जो लिमिट है वो कहां से कहां पर देखो यहां से यहां पर मैं आपको बताया था ना यहां पर एक्स स्क्स टू ए था और यहां पर एक्स एक्स टू बी ठीक है तो यानी कि ए से लेकर आप बी तक आप क्या कर रहे हो एक्स स्क्स टू ए से लेकर आप बी तक आप इसकी हाइट ले रहे हो बेसिकली हाइट ही है आप हॉरिजॉन्टल दिख रहा है लेकिन ये हाइट ही है तो ए से लेकर बी तक आप क्या कर रहे हो हाइट क्योंकि यहां पर आपने हाइट को ही वेरिएबल माना है ठीक है हाइट के रिस्पेक्ट में आप इसको इसको इंटीग्रेट कर रहे हो ठीक है तो ए से बी आपने इसको इंटीग्रेट किया फिर आपको यहाँ पे पाई वाई स्क्वायर और यहाँ पर डी एक्स आप चाहो तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो वी इज टू पाई ए बी वाई स्क्वायर डी एक्स यानी कि आपका ये जो फॉर्मूला बना है ये सिर्फ और सिर्फ कार्टीसियन कर्व के लिए बना है ठीक है कार्टीसियन कर्व अगर आप उसको रोटेट करते हो आइदर एक्स एक्सिस के अबाउट और y-axis के about. आपको ये चीजें मिलेंगी हाँ एक चीज का बदलाव जरूर होगा अगर आप x-axis के अबाउट रोटेट करते हो तो पर dx मिलेगा और यहाँ पे y स्क्वायर मिलेगा अगर आप y एक्स के अबाउट अगर रोटेट करते हो तो आपको ये जो वॉल्यूम होगा वो कुछ ये मिलेगा पाई ए टू बी सेम रहेगा ठीक है यहां पर एक्स स्क्वायर और यहां पर dy बस इतनी सी बात है ठीक है तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा देखिए मैं स्लो जरूर हूं लेकिन कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में